टुडे वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ आर चाप्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड अ बेकर फ्रॉम गोवा इज रिटन बाय डैश टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन दैट अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन है ठीक है सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर वन ऑफ अ चाप्टर बेकअप फ्रॉम गोवा ओकेस्ट क्वेश्चन इज इज ब्रेड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोवन लाइफ हाउ डू यू नो दिस तुम्हें कैसे पता कि ब्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा के कल्चर में क्योंकि हमने चैप्टर में बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ा है हमें पता है कि कैसे ब्रेड के बिना गोवा की मॉर्निंग ही स्टार्ट नहीं होती है जैसे ही सुबह सुबह जब वो आते हैं हमारे बेकर या पैडर आप कहो तो सब बच्चे भी खुश हो जाते हैं एंड घर के लिए ब्रेड ली जाती है इवन फेस्टिवल्स भी बेकर के ब्रेड के बिना अधूरे हैं बेकर के फर्नेस के बिना तो गोवा की जो गलियाँ हैं जो सड़कें हैं वो ही अधूरी हैं ठीक है थीके? तो बेकर के इंपॉर्टेंस हमें गोवा में पता है तो हम कहेंगे येस ब्रेड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ इवन टूडे आज के समय में भी गोवा की बहुत इंपॉर्टेंट uh, पार्ट है क्या ब्रेड ठीक है दिस वी कैन डेफिनेटली से बिकॉज ब्रेड इज़ नॉट ओनली पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ बट ऑल्सो पार्ट ऑफ देयर ओकेजनस लाइक क्रिसमस फेस्टिवल्स वेडिंग्स एंड एंगेजमेंट्स क्योंकि सिर्फ वो रोज़ रोटी की तरह ही ब्रेड को नहीं खाते हैं इनफैक्ट जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं ऑल द फेस्टिवल जिन पर हम एंजॉय करते हैं लाइक क्रिसमस कोई और फेस्टिवल हो वेडिंग हो एंगेजमेंट सेरेमनीज हो तो कहीं पर भी जो है बेकर की ब्रेड्स के बिना जो है सेलिब्रेशन इनकम्प्लीट रहता है तो हाँ आज के समय पर भी गोवा में बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी था क्या गोवा के ब्रेड्स एंड

यहाँ फुल स्टॉप आएगा एज एन एंगेजमेंट पार्टी वॉज इनकम्प्लीट विदाउट सैंडविचेज अब हम बताना शुरू कर देंगे क्योंकि यह टुमारो का क्वेश्चन ही है तो हम जल्दी से बताएंगे एज एन एंगेजमेंट पार्टी वॉज इनकम्प्लीट विदाउट सैंडविचेज सैंडविचेज में ब्रेड लगती है जो बेकर बनाते हैं द ब्रेड फॉर विच वॉज सप्लाइड बाय द बेकर ठीक है सिमिलरली इट वॉज इसेंशियल टू हैव बोल अमंग द वेडिंग गिफ्ट बोल होना चाहिए था

नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इमेज ऑफ बेकर कम बिफोर योर आईज ऑन रीडिंग तो क्या आपके दिमाग में इमेज आती है तो अगुआन बेकर अपियर्स टू तो बी अ प्लम्प एंड हेल्दी मैन तो हमें बताना पड़ेगा जो जो डिटेल्स हमें ऑथर ने दी थी अबाउट द गुआन बेकर तो सब बताना पड़ेगा पैडर कैसे थे तो उन्होंने बताया था तो वो प्ल्प यानी कि थोड़े हेल्दी होते हैं वी कैन सी दैट फैट होते हैं बिकॉज उन्होंने ये भी बताया कि उनका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है इसीलिए अगुआन बेकर अपियर्यर्यस टू तो बी प्लम्प एंड अ हेल्दी मैन वेयरिंग ट्रेडिशनल कबाई ड्रेस कबाई ड्रेस पहनते हैं वो ही कैरीज अ बैम्बू स्टाफ

हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हमें अपनी हेरिटेज से जोड़े रखती हैं जैसे हम भी हम जिस भी रिलीजन को फॉलो करते हैं हम जिस भी एरिया में रहते हैं हमारे कोई ना कोई ट्रडिशनल प्रैक्टिस होती हैं जो हम जरूर फॉलो करते हैं ठीक है ट्रेडिशनल वैल्यूज शेप और पर्सनैलिटी हमारी पर्सनैलिटी शेप करती हैं ये एंड ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट ठीक है देन एबल एस टू फेस डिफिकल्टी सिचुएशन एंड मेकअस मेंटली स्ट्रॉग जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं जो हमारे संस्कार हैं जो हमारे आप कह सकते हो जो हमें सिखाई गई बातें हैं जो हम हमें पूर्वजों ने सिखाई हैं हमारे जो सदियों से चलती आ रही हैं वो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं ठीक है और जब हम परेशान होते हैं तो हमें इमोशनल सपोर्ट देती हैं हैव एन ऑन बिहेवियर पैटर्न द अदर पीपल इन सोसाइटी एंड जितनी अच्छी बातें हमें अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस से सीखी होती है वो हमारी डेवलप करती है 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 और हमें हमें ये भी सिखाती कि हमें सामने वालों से कैसे बोलना जैसे आप मान सकते हो कि जैसे ही हम अपने बड़ों को मिलते हैं हम नमस्कार करते हैं या उनको जो है रिस्पेक्ट से बात करते हैं तो दिस इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ठीक है कि हम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं छोटों को प्यार कर रहे हैं ये क्या है इससे क्या हो रहा है हमारा पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है हम सामने वाले अगर हमें देखेगा कि हम सबके रिस्पेक्ट कर रहे हैं बच्चों को प्यार कर रहे हैं तो उनके सामने हमारा अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा और हमें खुद को भी अच्छा फील होगा ठीक है तो जो भी कोई ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है उनकी हमने इंपॉर्टेंस बता दी एंड गोवा के कल्चर में कैसे वो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को नहीं लीव करा और उसको कंटिन्यू करा वो भी बता दिया ठीक है नेक्स्ट हाउ दि द बेकर चिल्ड्रन तो आपको बताना था बेकर अट्रैक्ट कैसे करते थे चिल्ड्रन ओके तो बेकर झंझ करके आते थे बहुत सारी ब्रेड लाते थे बट बेकर को बच्चे किससे अट्रैक्ट होते थे बेकर की? कि बच्चे को बस एक ही चीज में इंटरेस्ट था वो क्या था वो मीठी वाली ब्रेड जो होती थी ना वो बैंगल्स वाली राउंड वाली जो मीठी वाली ब्रेड होती थी जिसकी पिक्चर देख सकते हो आप तो उससे बहुत अट्रैक्ट होते थे बच्चे तो उस ब्रेड का नाम क्या था जल्दी से बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में चिल्ड्रेन नॉट बा और बाय ही सोल बट अट्रैक्टेड द चिल्ड्रेन बाय द ब्रेड बैगल्स और द स्पेशल स्वीट ब्रेड्स ही सोल्ड ठीक है तो ना तो ब्रेड से सिंपल वाली ना ही वो जो झंग झंग आवाज आती थी बैम्बू वैसे उससे भी नहीं सिर्फ और सिर्फ बच्चे किससे अट्रैक्ट होते थे वो मीठी वाली जो ब्रेड होती थी ब्रेड की बैंगल्स उससे होते थे बच्चे अट्रैक्ट जिसका नाम आप मुझे कमेंट्स में बताने वाले हो ठीक है नेक्स्ट हाउ डू यू नो दैट द किड्स वर एक्साइटेड अबाउट द ब्रेड आपको कैसे पता बच्चे बहुत एक्साइटेड थे ब्रेड को खाने के लिए क्योंकि ऑथर ने हमें बताया हमें दैट दे वुड हिम सर दे वर नॉट एबल टू सी वट वॉज इन साइड द बास्केट एंड दे वुड क्लाइम ऑन अ बेंच एंड पीप इन दू द बास्केट टू गेट द स्वीट फ्रेगरेन्स और जब बच्चों को दिखता नहीं था उस को पहले साउंड कर लेते ब्रेकर को जब दिखता नहीं होता तो, तो बेंच पे या रेलिंग जो होती है ना घर की पे खड़े होकर देखते थे उसकी ब्रेड बास्केट में क्या है दे वुड ईट द ब्रेड इवन बिफोर ब्रशिंग टीथ बिना ब्रश करे टीथ जो है हम अपना ब्रेड भी खा लेते थे, थे वैसे सुबह ब्रश करने के बाद हमें कुछ खाना चाहिए बट जब हम एक्साइटेड होते हैं हमें खाना है अब कुछ बहुत टेस्टी चीज हो तो हम नहीं सोचते ब्रश करना है हम खा लेते थे हैं ठीक है थेके? हाउ द ऑथर सेज द बेकर एंड हिस्स फैमिली नेवर स्टाफ डज ही से सो आपको बताना है द ऑथर ने जो ये बोला था ना कि बेकर की फैमिली कभी स्टाफ नहीं करेगी कभी भूखे नहीं रहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं वो बताओ तो गाइज बेकर का प्रोफेशन काफी प्रॉफिटेबल था वहां गोवा में, में क्योंकि बेकर के बिना फेस्टिवल भी अधूरे बेकर के लिए ब्रेड बहुत जरूरी थी बेकर के बिना बच्चों को भी अच्छा नहीं लगता था जब तक वो स्वीट ब्रेड्स नहीं खाते थे तो बेकर का प्रोफेशन काफी अच्छा था तो इसलिए जब प्रोफेशन अच्छा है तो पैसे कमाएंगे पैसे कमाओगे तो यू विल अर्निंग योर लाइवलीहुड ठीक है तो यू विल नॉट बी एबल टू स्टाफ तो इसलिए द द ऑथर सेज दैट बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टाफ दिस इज बिकॉज बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा सिंस ओल्ड डेज बेकिंग प्रॉफिटेबल बिजनेस था मोर ओवर द बेकर फैमिली एंड इवन सर्वेंट्स लुक हैप्पी एंड द प्रोस्पियस एंड इवन जब वो देखते थे बेकर की फैमिली को और उनके सर्वेंट्स को तो वो खुश और प्रॉस्पेरस लगते जब वो कोई खुश लग रहा है प्रॉस्पेरस लग रहा है तो हम उसे क्यों कहेंगे कि वो स्टाफ करेगा द प्लम बॉडी वाज अ प्रूफ टू दिस फैक्ट और उनकी प्लम बॉडी थी यानी कि जो फैट थे वो जितने वो दिखा देता था भाई वो कहते हैं ना खाते पीते घर के हैं वो देख के पता चल जाता था उनको ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नाइन द टाइगर नेवर ब्रस्ट इज तीट वाई डिज द ऑथर से क्यों कहते हैं वो टाइगर नेवर ब्रश्ट इज तीट द चिल्ड्रन आर एज फ्री एज टाइगर इन द जंगल जैसे कि टाइगर जो है अपने ब्रश नहीं करता है टीट तो ऑथर ये दिखाना चाह रहे हैं कि बच्चे भी टाइगर की तरह फ्री है जैसे टाइगर जंगल में फ्री भी रहते हैं वैसे ही बच्चे भी फ्री रहते हैं दे डू नॉट केयर अबाउट ब्रशिंग देयर ट्रीट और वॉशिंग देयर माउथ वो भी केयर नहीं करते हैं दे स्टार्ट ईटिंग एज सुन एज दिक अप द ऑथर प्रेजेंट द केयर फ्री एटीट्यूड बाय सपोर्टिंग इट विद एग्जाम्पल ऑफ द टाइगर तो वो बच्चों का केयर फ्री एटीट्यूड दिखाए जैसे

उर देन हाफ उनके बचपन में जो बेकर होते थे वो कैप्रीज भी पहनते थे ठीक है

तो आप कह सकते हो गाइड कैसे था जैसे कि जब बच्चे उनके पीछे आ जाते थे ब्रेड दिखने के लिए तो वो माइल्डली रिव्यू यानी कि थोड़ा सा हल्का सा डांट देती थी कि बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसे एल्डर्स के सामने ऐसा नहीं करना चाहिए कि ऐसे एक मैनर्स होने चाहिए जैसे कि ऐसे हमें ब्रेड को ऐसे लेने के लिए इस तरीके से नहीं करना चाहिए तो वो थोड़ा माइल्डली रिव्यू कर देते थे ओके okay, नेक्स्ट वेन ही विस्ट गुड मॉर्निंग टू द लेडी ऑफ़ द हाउस और जैसे कि जैसे वो सुबह सुबह आते ही गुड मॉर्निंग करते थे तो उससे बच्चों को समझ में आ रहा है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें जो है अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए नहीं हाँ जी मैडम ब्रेड ले लो बस नहीं पहले गुड मॉर्निंग करते थे तो एक तरीके से उन्हें गाइड कर रहे हैं कि कैसे उनको अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है ही वॉज इनफॉर्मल विद द चिल्ड्रन एंड सो द ऑथर कंसिड हिम एज फ्रेंड इनफैक्ट वो बच्चों के साथ इनफॉर्मल थे वो उन्हें माइंडली रिव्यू कर देते अब डांट आप, आप किसको सकते हो जिसको आप अपना फ्रेंड समझते हो उन्हीं को तो डांट देते हो जिसकी जान पहचान नहीं हो उसे तो आप बहुत मैनर से बात करते हो पर अपना डांट भी देते थे तो इसलिए ऑथर ने उन्हें फ्रेंड कहा है ठीक है एंड अ कंपेनियन ही वॉज नॉट सिंपली अ वेंडर इंटरेस्टेड इन सेलिंग वो सिर्फ एक वेंडर नहीं थे बेचने वाले सामान को नहीं थे कि वो कुछ सामान बेचने आए और चले जाएंगे नहीं 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 ठीक है

ऑथर रिमेंबर हिज ओल्ड एज इन गोवा विन द विलेज बेकर अक्यूपाइड एंड इंपॉर्टेंट प्लेस लाइक चैप्टर में ऑथर पुराने दिनों को याद कर रहे हैं ब्रेड ईटिंग बोस्ट कॉमन इन दो देश उन दिनों भी ब्रेड ईटिंग कॉमन थी अपार्ट फ्रॉम ईटिंग ब्रेड क्रिसमस पे भी एंड मैरिजेस पे भी ब्रैड खाई जाती थी रीड करो ऑल् विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल डो नॉट ईट सो मच ब्रेड टूडे

ब्रेड जो उन्हें कंज्यूम करा चला तभी तो विलेज में अभी भी फंडने से है तभी तो वो जो उन्होंने कहा कि ग्रैंड फादर्स नहीं है बट बच्चों के बच्चे उन बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं कंटिन्यू कब कर रहे हैं जब लोग उनकी ब्रेड खाने तभी तो वो उस बिजनेस को कंटिन्यू करे तो इसलिए हम कह सकते हैं कि येस दैट ब्रेड और जो बेकर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस अभी भी है गोवा की लाइफ में ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे मूव करते हैं प्रॉफिटेबल बिजनेस इन गोवा ठीक है आपको बताना है ये क्वेश्चन नंबर थर्टीन है ये तो हमें बता देंगे बेकर की कितनी इंपॉर्टेंस थी बेकर वॉज कंसिडर असेंशियल प्रोफेशन बिकॉज मैरिज गेट सो मीनिंग विदाउट स्वीट ब्रेड नोन एज बोल द लेडी ऑफ द हाउस हैड टू प्रिपेयर सैंडविचे ऑन डॉटर्स इंगेजमेंट उसके लिए ब्रेड बेकर देते थे केक्स एंड बोलेनाजर मस्ट फॉर क्रिसमस इन अटिवल बेकिंग वॉज ऑल्सो प्रोफिटेबल प्रोफेशन इन ट्रेडिशनल गोवाज बेकर एंड एज फैमिली निवस्ट स्टाफ ही एंड एज फैमिली सर्वेंट ऑलवेज लुक हैपी एंड प्रॉस्परस दे अप लॉन्ग फिजिक वज अ टेस्ट मनी टू इट या फिर प्रूफ टू इट तो इसलिए हम कह सकते हैं कि येस yes, ब्रेकिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था उसके हमने रीजन दे दिया क्या रीज़न दिया हमने बताया हर एक फेस्टिवल में शादी में इनकी ब्रेड को यूज़ करा जाता था तो ऑब्वियसली ब्रेड इनसे खरीदी जाती थी साथ ही के साथ बेकर जो थे आ, उनको देख के भी समझ में आ जाता था कि वो बहुत खुश रहते थे हैप्पी रहते थे प्रॉस्परस रहते थे तो वी कैन से उनका प्रोफेशन एक प्रोफिटेबल प्रोफेशन था क्वेश्चन नंबर फोटीन पे मूव करते हैं तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट अब आपको बताना है द पोर्चुगीज लोगों को अभी भी गोवा में याद करा जाता है मतलब कि जो बेकर्स थे उनको याद करा जाता है उनकी ब्रेड को याद करा जाता है ये जो डीप रूटेड लव होता है कल्चर का वो शो कर रहा है इससे आपको क्या सीख मिलती है तो अभी पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो गोवन लोग हैं वो कैसे उन दिनों को याद करते हैं तो ऑथर ने बताया था ऑथर जो इज लिस्ट टू द स्टोरीज ऑफ इज द पॉचुगीज बेकर एंड डिलीशियस ऑफ ब्रेड ऑथर ने स्टार्टिंग के पैरा में ही हमें बता दिया था कैसे वो अपने बड़े लोगों से सुनते थे कहानियाँ पोर्चुगीज के जमाने की टाइम हैज चेंज नाउ अब समय बता गया बट बेकर रिमेंबर बट मेटाफॉर्फिकली अभी टाइम बदल गया है किसी को हाफ पैंट पहने ना वो नी से थोड़ी सी नीचे बट पूरे के पूरे जो हमारी एंकल्स होती है उससे थोड़े ऊपर उसे केपरी कहते हैं अगर किसी को अभी भी केपरी पहने हुए देखे जाता है या किसी की प्लम फिजिक को तो कहते हैं बेकर जैसा है तो कंपेरिजन होता है ना जब किसी चीज का विदाउट यूजिंग लाइक और एज तो उसको हम कहते हैं मेटाफर सिमिली होती है ना जैसे एस स्वीट एज शुगर या फिर आप कह रहे हो स्मूथ लाइक बटर तो ये क्या है ये तो सिमिली हो गई बट कंपैरिजन हो रहा है इसमें बट जो मेटाफर होता है वहाँ पे लाइक like और एज का यूज़ करें बिना कंपैरिजन होता है जैसे कि हमने कहा कि अगर कोई जा रहा है कैपरी पहन के तो हमने उसे पैडर कह दिया मतलब कि हमने उसे कंपेयर कर दिया बेकर से तो मेटामॉर्फिकली यूज़ करा जाता है बेकर को जैसे कि अगर किसी ने कैपरी पहनी है तो बेकर कह देते हैं कोई प्लम्प फिजिक का है तो कहते हैं अरे ये तो बेकर है ठीक है तो इफ एनी पर्सन इज सीन वेरिंग अ हाफ पैट दट रीच एज इज बिलो द नी और हज अ फिजिकल प्लम फिजिक इस कॉल बेकर तो वो याद करें एक तरीके से अपने उन पुराने दिनों को एक है कि दिस रिफ्लेक्ट द गोवाज लिव लव एंड रिस्पेक्ट फार दिय ट्रेडिशन एंड क्चर देर लाइफ टीचर्स अस ए वैल्यूएबल लेसन टू भी कनेक्टेड टू अर रूट्स कि हमें लेसन देते हैं कि हम अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए इट हेल्प अस इज मेनटेनिंग आर आडेंटिटी ऑल ओवर द वल्ड वी शुड नॉट भी इन्फ्लूंस बाय वेस्टर्न कल्चर और आपको लिखना है कि हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपने वेस्टन कल्चर से इन्फ्लूस नहीं होना चाहिए हमें अपने इंडियन ट्रेडिशन को कभी नहीं भूलना चाहिए इंडियन ट्रडिशन इज वेल नोन फॉर दिस यूनिटी एज वी आर वेरी फेमस फॉर यूनिटी एंड डायवर्सिटी वी हैव रिच लेक एंड इट इज अजर्व अर हेरिटेज एंड है एज ट्रेडिशन और हमारी ड्यूटी की हम अपने इन ट्रेडिशन के रिस्पेक्ट करें एंड इनकिन्यू करें ओके okay? तो विद दिस क्वेश्चन कंप्लीट यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फेमस गोआन लोज आर स्टिल देर आप कैसे कह सकते हो कि अभी भी गोवा में मेकर्स ऑफ ब्रेड हैं तो मैनी ऑफ दोज ईटर्स ऑफ लोज माइट हैव गॉन बट द मेकर्स आर स्टिल एक्जिस्ट ये तो हमें ऑथर ने खुद ही बताया था द मिक्सर्स द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोज आर स्टिल देयर इन गोवा तो गाइज बेकर भी है मिक्सर भी है ब्रेड का फर्नेसेस भी हैं अब क्यों है लोग ब्रेड खाने हैं तभी तो है तो इसलिए जस्टिफाइड है ये कि जो है गोवा की जो ब्रेड है अभी भी खाई जाती है वहाँ पे जो लोव्स ऑफ ब्रेड है ना पॉर्चुगीज़ फेमस लोग अभी भी खाई जाती है क्योंकि बेकर्स अगर कोई नहीं खा रहा होता तो बेकर अपनी दुकान बंद कर देते नहीं करी उन्होंने क्योंकि अभी भी कंज्यूम करी जाती है द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड फायर जो है फर्नेस की उसको एक्सटिंग्विश्ड बुझाया नहीं गया है भट्टी होती है फर्नेस ठीक है एंड द थर्ड एंड चैंगल ऑफ द बेकर्स मैम कैन स्टिल बी हर्ड इन द मॉर्निंग इन सम प्लेसेस कुछ जगहों में उतना ह्यूज लेवल पे नहीं जितना पहले जमाने में होता होगा बट अभी भी कई जगहों पे मॉर्निंग में बेकर की जो आवाज़ है वो मैमो की सुनी जाती है दीज बेकर नोन एज पैडर्स एक्जिस्ट इन गोवा इवन टू आज भी एक्जिस्ट करते हैं द फैमिली प्रोफेशन इज ऑन और जो फैमिली प्रोफेशन को कैरी करा गया है जैसे पहले ग्रैंडफादर करते थे तो अब आगे की जनरेशन ने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर्स करते थे तो अब आगे की जनरेशन कंटिन्यू कर रही है और विद दिस हमने फिफ्टीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए करते हैं कोर्ट चैप्टर एंड वन रैंडम क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर इज पहले जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में बता दो इफ यू रिमेंबर कि कोर्ट्स को विजिट करने का सबसे अच्छा जो मंथ होता है वो कौन सा है जैसे कि विजिटर्स के लिए सबसे फेवरेबल मंथ हमें बता रखा है कि किस समय विजिटर्स को टूरिस्ट को कोर्ट जाना चाहिए वो मंथ मुझे बताओ कॉमेंट्स में एंड हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे First question is Why does the author in Kooch say that the visitor search for the heart and soul of India would be found in Kooch? Okay. Jin, Joh, rayana heart and soul of India. वो कूर जा सकते हैं ऐसा क्यों कहते हैं वो तो गाय सिलेक्स कूट शो कल्चर एंड ट्रेडिशन दीज आर ब्यूटीफुल लैंडस्केप भी दिखाता है ब्रेव कूर्जी मैन ट्रेडिशनल कुपिया ड्रेसेस बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज रिच फ्लोरा एंड फोना एंड प्लांटेशन ऑफ कॉफी एंड स्पाइसिस द स्कूट शो द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया तो बेसिकली गाई स्कूट जो है ना वेरी एक्स आस्पेक्ट्स मतलब है बहुत सारी आस्पेक्ट्स हमारे इंडिया की हम कूर्ज में देख सकते हैं जैसे कि हमारे कल्चर ट्रेडिशन के और हमारे पूरे इंडिया के ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स अलग अलग लैंडस्केप देख सकते हैं ब्रेव कर्जे में देख सकते हैं तो ब्रेव पीपल देख सकते हैं हम ट्रेडिशनल ड्रेसेस देख सकते हैं तो हमारी डाइवर्सिटी शो कराइए बुद्धस्ट मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं रिच फ्लोरा एंड फोना देख सकते हैं प्लांटेशन देख सकते हैं कॉफ़ी का भी स्पाइसेस का भी एज़ इंडिया में हमारे यहाँ प्लांटेशन भी होती है टी की भी कॉफ़ी की भी स्पाइसेस की भी तो अगर आप कूट जाते हो तो आपको कॉफ़ी की भी और स्पाइस की तो प्लांटेशन दिख जाएगी इतने अच्छा अच्छा लैंडस्केप भी दिखेगा ब्रेव मैन दिखेंगे मोनेस्ट्रोई दिखेगी तो आप देख सकते हो तो कितनी वेराइड चीज़ें हम देख सकते हैं अगर हम कूट जाए तो तो इसलिए कूच को इंडिया का हार्ट एंड सोल बोला गया है दस कूच शोज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया ओके वन मार्क सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें हैं वट अट्रैक्शन इन कूच विद टू बी डिस्कवर्ड बाय टूरिस्ट क्या ऐसी चीजें हैं जो आप टूरिस्ट हो तो कूच जाके आप इंजॉय कर सकते हो तो डिफरेंट लैंग्वेज का क्वेश्चन है पूछा तो ये गया है वॉट यू कैन गो एंड डू इन कूच तो कूच इज़ अ प्लेस ऑफ ब्यूटिफुल साइट्स एंड टूरिस्ट हैव फुल इंटरेस्ट इन इट ठीक है द मेन अट्रैक्शन इज कूच Uh, that वेटेड टू ब डिस्कवर बाई टूरिस्ट एंड रिवर राफ्टिंग अलग अलग स्पोर्ट्स हैं वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स रॉक क्लाइंबिंग कैनोइंग रैपलिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड एलिफेंट राइडिंग नेचुरल साइट्स दाइ ग्रीन फॉरेस्ट ऑल्सो अट्रैक्ट द टूरिस्ट तो ये सब चीजें अट्रैक्ट करती हैं टूरिस्ट को लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो क्वेश्चन के सो दैट यू कैन रिवाइज इट लेटर ऑन डो एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग एंड रॉक क्लाइंबिंग रिक्वायर पर्सन टू परस जिस फिजिकल स्ट्रेंथ वाई और वाई नॉट क्या आपको क्या लगता है कि अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग या कोई एडवेंचर स्पोर्ट करना है तो क्या बस आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होने की जरूरत है या यू नीड समथिंग एल्स तो कैस हमें मेंटली भी बहुत ज़्यादा उस समय पर अलर्ट रहना चाहिए जब हम कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट करें चाहे वो रॉक क्लाइंबिंग हो चाहे वो राफ्टिंग करना हो तो इधर वी आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग इट्स ओके बट साथ में हमें मेंटली एलर्ट भी रहना चाहिए बिकॉज उस समय पर हम जो है नेचर में जैसे हम रिवर राफ्टिंग अगर कर रहे हैं तो हम रिवर में हैं तो उस समय हमें हमारी सेंसेस बिल्कुल ही ओपन रखनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए अपना पूरा लाइफ जैकेट वगैरह सब पहननी चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए तो वो आपको मैंशन करना पड़ेगा फिजिकल स्ट्रेंथ इज इंपॉर्टेंट बट साथ में मेंटली भी अलर्ट होना चाहिए हमें ऐसा नहीं हम राफ्टिंग कर रहे हैं तो हमारा ध्यान भटक गया या जैसे दिखाते हैं ना वो हमें बिल्कुल अलर्ट लेना चाहिए ठीक है हमारा ओपिनियन मांगा है ना तो यस yes, हमें जो है खाली फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए एडवेंचर स्पोर्ट्स नॉट ओनली रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल अलर्टनेस मेंटल अलर्ट होना चाहिए एंड साइकोलॉजी ल टफनेस टू अ पर्सन नीड्स टू हैव एक्सलेंट जजमेंट एंड शुड हैव अ क्विक रिस्पॉन्स टूम एक अच्छी जजमेंट और रिस्पॉन्सिविविव होना चाहिए हमें जब हम एडवेंचर स्पोर्ट्स करें दीज स्पोर्ट्स आर डन इन नेचुरल सराउंड हम नेचर में होते हैं उस समय हेज द एडवेंचर शुड बी एबल टू टेक क्विक एक्शन इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और अगर कोई एमरजेंसी हो जैसे आपको ही बताना पड़ेगा एमरजेंसी में एकदम से डिसीजन कौन लेगा जिसका माइंड बिल्कुल अलर्ट है तो ये मैंशन करना कि जैसे कि आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो अगर कोई इमरजेंसी हो जाए एकदम से तो एक क्विक एक्शन लेने के लिए आप अलर्ट होगे तभी तो जैसे कोई रॉक क्लाइंबिंग करे और कुछ अगर इमरजेंसी हो गई तो जब वो अलर्ट होंगे तो उन्हें एकदम से देख जाएगा अच्छा ये कोई प्रॉब्लम आई है तो तो दे कैन एक्ट अपॉन इट इसलिए फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ में अलर्ट होना भी जरूरी Next, है ही शुड बी अवेयर ऑफ नैचुरल डिजास्टर्स एंड मस्ट हैरी मेजर्स विद हम हमने बोला ना अ पर्सन से हम रेफर करें इसलिए हमने आगे ऐसा लिख दिया है ही शुड अवेयर ऑफ जो की भी कोई अगर कोई एडवेंचर सपोर्ट कर रहा है तो फिजिकल के साथ है हमें जरूरी क्या मेंटल अलर्ट रहना से, और साथ ही लाइफ जैकेट पहनना एंड ऑल द अदर मेजर्स जो जरूरी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन तो, पे मूव करते हैं तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं डिस्क्राइब द जॉग्रफिकल लोकेशन ऑफ कुछ द कोच और कदागू इज द स्मॉलेट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका इट लाइज बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टन राउंड ऑफ मंगलूर ठीक है

उट एनी लाइन अपने पास जो है आर्म्स रखना तो वाई बिकॉज दे आर वेरी ग्रेव बिकॉज दे आर रेस्पॉन्सिबल बे आर ट्रस्ट वर्दी एंड दे आर वेरी हॉस्पिटबल ऑल्सोलेट दूर्जी आर नोन टू बी पॉपुलशन ऑफ प्राउड मैन एंड वुमेन एंड हुट देयर गेस्ट एंड अदर विद ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिस्पांसिबिलिटी ठीक है दे आर वेरी हम्बल इन नेचर एंड वेलकम पीपल इन दियर होम्स विद ओपन आर्म्स बहुत हंबल है और अपने घर में कोई भी उनका आता है तो अच्छे से उनका स्वागत करते हैं दे टेन टू गेट अंग विद पीपल बाई टेलिंग दम स्टोरीज ऑफ देर रिच कल्चर एंड विचलूड्स टेल ऑफ बेवरी ऑफ दियर काइम और वो लोगों से मिक्सअप कैसे होते हैं बातचीत कैसे करते हैं अपनी पुरानी कहानियां बता के अपनी ब्रेवरी की और अपने रिच कल्चर की कहानियाँ बता के दे टेक ग्रेट प्राइड इन देयर हिस्ट्री एंड लव टू शेयर इट विद अदर्स उनको काफ़ी गर्व है अपनी हिस्ट्री पे और वो उसको शेयर करते हैं लोगों के साथ उन्हें अच्छा लगता है द पीपल ऑफ कूर्ज आर ऑलसो नोन फॉर द बेबी इवन नाउ ओनलीदूज या फिर आप देख सकते पील ऑफ कूच आर लाउ टू कैरी फाइनान्स विदाउट एनी लाइसेंस सो य कैन रेफर टू दिस क्वेश्चन नाउ एम गटिंग अ सैट आप स्क्रक्रीन शॉट डी डो एक अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है कमेंट योर एक्सप ओपिनियन आपको बताना था तो हमने फॉर्म कर दिया नेक्स्ट हाउ हेज द कूर्ज ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकोग्नाइज इन मॉडर्न इंडिया कैसे हमने उनकी ब्रेवरी को रिकोगनाइज करा है तो बैस जैसे कि अलाउड है कूच या कोदावूज के पीपल को क्या अपने पास आम रखना वो मैंशन करना पड़ेगा दूच द कर्जी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड बेवरी हैज रिकॉग्नाइज बाई अवार्डिंग द कर्ज रेजिमेंट विद मोस्ट नंबर ऑफ डेलेंट्री अवार्ड्स कूच रेजिमेंट को सबसे ज्यादा मोस्ट सेलिब्रेटेड बदला गया था मोस्ट डेकोरेटेड यानी कि उन्हें बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड्स मिलाज द कुर्ज और द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस और उन्हीं को अलाउड है फायर आर्म रखना विदाआउट एनी लाइसेंस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट ऑन द वाइल्ड लाइफ ऑफ कूज तो वाइल्ड लाइफ बताओ कूज हैज अ बाउंटिफुल एंड वेरीड लाइफ वाइल्ड लाइफ

ठीक है इट इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स मार्शल मैन ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वाई द पीपल ऑफ कूच नोन एज डिसेंडेंट्स ऑफ अरब तो थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे द थ्योरी ऑफ द पीपल ऑफ कूच एज डिस ऑफ अरब ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडरी वीज पेल मोर्न बाय द कोदावज नोन एज कुपिया तो वो ड्रेस पहनते हैं कुपिया जो लॉन्ग ब्लैक कोट है जिसकी एम्ब्रॉयडरी पे एक आ, वेस्ट बेल्ट होती है एम्ब्रॉयडरी वाली उसको कुपिया कहते हैं इट रिजें्पल्स टू द कुफ़िया वोन बाय द अरब्स एंड कर्ब्स और वो जो ड्रेस है उनकी ब्लैक कलर की और जिस पे ऐसे यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वाली एक बेल्ट होती है वो बिल्कुल मैच करती है या रिजम्बल करती है आप कह सकते हो उस ड्रेस से जो अरब्स पहनते थे और कर्ड यानी कि कर्डिश पीपल पहनते थे तो जैसे सेम सेम ड्रेस से हमने जो है उस थ्योरी से माना है कि शायद कूच के लोग जो है ऐसा कहा जाता है अरब्स भी हैं ठीक है डिसेंडेंट्स ऑफ अरब्स नेक्स्ट वाई डू यू थिंक द ऑथर कॉल कूर्ज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव डिफर्ड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड क्यों कहा ऑथर ने कूच को अ पीस ऑफ हेवन स्वर्ग का एक ऐसा टुकड़ा जो स्वर्ग से यहाँ धरती पर आके क्यों कहा बिकॉज इतना ब्यूटिफुल है कूच इसलिए कहा तो लेट्स मैंशन दिस द ऑथर कॉल्स कूर्ज अ पीस ऑफ हेवन ड्यू टू इट्स सेरेनिक एंड नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी ब्यूटी है द हिल स्टेशन ऑफ कूज इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट लोकेशन बता देते हैं द स्टेट ऑफ कर्नाटका इट इज लोकेटेड मिड वे बिटवीन बैंगलोर एंड बैंगलोर ठीक है इट इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इट इज इनहेबिटेड देखो गाइस हमने वही लाइन मेंशन करी है इट इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन ब्यूटीफुल वुमेन एंड वेल क्रिएचर्स कूच इज द होम ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल दैट तो आपने सेम मेंशन कर दी क्योंकि उसकी सरनिक ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी की वजह से जो है उसे मैंशन करा गया और आगे क्यूच के डिटेल दे दी ठीक है नेक्स्ट डिस्क्राइब द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट सेटलमेंट इन कूच कौन सी है बिलो द रोलिंग हिल्स लाइ द लार्जेस्ट तिबेटियन सेटलमेंट इन इंडिया इन कूच द बुद्धिस्ट टेम्पल बाइल कोब इज फेमस फॉर इट्स ग्रांडियोर एंड ब्यूटी द मॉन्ग्स इन द रेड और ट्रे एंड येलो रोब्स रिप्रजेंट द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हीयर इन द कूच ओके नेक्स्ट वाई डू द मोस्ट विजिटर कीप अवे फ्रॉम कूच ड्यूरिंग द मानसून वेट डू दे रिज्यूम दिय जर्नी गिव रीजन तो मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पुटअप करा था कॉमेंट में हो सकता है आपने मुझे ध्यान से बता दिया हो दो मोस्ट ऑफ द विजिटर कीप अवे फ्रॉम कूच ड्यूरिंग द मानसून क्योंकि वहाँ बहुत बारिश होती है बिकॉज इट पर हैवी रेन बिकॉज इट पोज वेरी हैवली ड्यूरिंग द मॉन्सूस दे रिज्यूम दे जर्नी फ्रॉम सेप्टेंबर टिल मार्च अगर घूमने जाना है तो कब जाते हैं मार्च एंड आइल चेक की कितने बच्चों ने मुझे करेक्ट आंसर बताया था वन द वेदर इज परफेक्ट विदिल चार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस हम वन इज नोन बाय वन रूट द पीपल ऑफ कूड आर ऑल्सो रिकॉन्ग्नाइज फॉर द वैल्यूज एंड ट्रीट इन स्पाइट ऑफ बींग थाउजेंड ऑफ माइज अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफन ग्रीस एंड अरेबिया डिस्क्राइब देयर वैल्यूज एंड ट्री क्वेश्चन में आपको Kuj के लोगों की और कूर्स की ना वैल्यूज एंड ट्रेड्स को डिस्क्राइब करना है ठीक है तो स्टार्टिंग में तो हम बता देंगे गैस वन इज वन नोन बाय इट रूट्स ठीक है हम अपने रूट्स से पहचाने जाते हैं और क्यों पहचाने जाते हैं वो अरेबिक लोगों से और ग्रीक से ये भी बता देंगे एंड देन हमें पूरे ट्रेड्स बताने हैं कूर्स के ठीक है तो लेट्स सी इट इज ट्रू दैट वन इज नोन बाय वन रूट सो इन द कॉन्टेक्स द फरी सी इनपेंडेड पीपल ऑफ कूर्ज आर पॉसिबली ग्रीक और अरेबिक्ली जरूर मैं कर देना तो हम लिखेंगे द कुरजीज हैव देयर रूट्स इन द प्लेस ऑफ ओरिजिन दैट इज ग्रीस एंड अरेबिया सो देयर ब्लड और कल्चर इज अ पेरेंट इन देयर मेरिटियल स्टेटस तो उनका जो कल्चर है ना वो थोड़ा सा हमें रिप्रेजेंट हो जाता है उनके मैरिज चल शादी करने के जो राइट्स होते हैं उसमें वो थोड़े डिफरेंट है ठीक है दे आर मोर देन विलिंग टू अकाउंट न्यूम्रिस्ट टेल्स ऑफ वैलर अब गाइज हम उनके ट्रेड्स बताने शुरू कर देंगे जो हमसे यहाँ पूछ गए हैं दे आर मोर देन विलिंग टू अकाउंट न्यूम्रिस्ट टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देर सन्स एंड फादर ठीक है द कूजी रेजिमेंट इज वन ऑफ मोस्ट डेकोरेटेड एंड हमें डेकोरेटेड मतलब उन्हें बहुत अवार्ड्स मिले हैं ओके

कल पर्स्पेक्टिव इज नोइंग सच काइंड ऑफ हिस्टोरिकल नॉलेज इम्पॉर्टेंट फॉर अस तो जब हमने कूच चैप्टर पढ़ा तो हमें काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल बातें पता चली जैसे अलेक्जेंडर की आर्मी का एंड जो वो ड्रेस है कर्डिश एंड अरेबिक पीपल की उसके बारे में पता चला तो काफ़ी हिस्टोरिकल नॉलेज हमें मिली उसके बारे में आपको बताना है और क्या ये नॉलेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली हिस्टोरिकल नॉलेज इज इंपॉर्टेंट तो लेटेस सी इन द लेसन कोज द ऑथर टेल्स दैट कूच पीपल आर डिसेंडेंट ऑफ ईदर ग्रीक और अरब्स ठीक है तो हमें ये भी तो पता चला कि ऐसा कहा जाता है कि शायद ये लोग शायद ग्रीक uh, डिसेंडेंट है या ट देव बीन ग्रीक ओरजन बिकॉज देर वॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ एलेस आर्मी टू द साउट एंड सेटल देयर अकॉर्डिंग टू अनाजेंव अरब ओरिजन बिकॉजिस वोटो देट फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी एक और हिस्टोरिकल बात पता चली फर्स्ट जनरल ऑफ इंडियन आर्मी जनरल खूच ठीक है इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट डीप रूटेड कल्चर बैकग्राउंड ऑफ अ कंट्री

आज के ज़माने में वॉर होते हैं बिकॉज ऑफ सो मैनी इशूज़ तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि कैसे हॉस्पिटेबल हैं कूच के लोग भी और कैसे इंडियन कल्चर uh, में हमारे कल्चर में जो है इतनी सारी हेरिटेज है इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो ये हमें ये सीख देता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल वेल्थ ऑफ कूच ठीक है तो लोकेश अब्रोल यानी कि जो राइटर हैं कोच के दैट कोच इज ब्यूटीफुल प्लेस बिटवीन टाउन ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर या मैंगलोर एंड मैसूर इट इज डिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड रीड दिस क्वेश्चन ऑल द नेसेसरी डिटेल्स एंड विद हमने guys, 15 जो है अपने कंप्लीट कर लिए हैं फ्रॉम असाम ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रांजल बल इट हिज हेड इन हिज डिटेक्टिव बुक वैल राज वॉज इक्व टू लुक एट द ब्यूटिफुल सीन रीड ज्यूरिंग द ट्रेन जर्नी एक्सप्लेन वाई वॉज देयर डिफरेंस इन देअर एटीट्यूड तो भाई जब वो ट्रेन जर्नी पे जा रहे थे तो प्रांजल तो अपने डिटेक्टिव बुक में इन्ग्रॉस था और उसको रीड कर रहा था ठीक है बट वहीं पर राजवीर जो इतनी सुंदर ब्यूटिफुल सीनरी थी ना वहाँ आसाम जाते हुए उसको इंजॉय कर रहा था उसे दिख रहा था अब यह डिफरेंस क्यों एटीट्यूड में क्यों जो है हमारा जो प्रांजल है वो क्यों नहीं इतनी सुंदर ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था उसको देख रहा था और बुक पढ़ने में लगा हुआ था एंड अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जो हमारा सेकंड है राजवीर वो तो बहुत खुश था ब्यूटी को देख के क्यों था उनके एटीट्यूड में ये डिफरेंस ठीक है तो ये आपको बताना होगा तो गाइज हमें पता है दैट प्रांजल जो है गाइस वो असम में ही जो है वो बॉर्न एंड ब्रॉटअप इज इन असम ओनली ठीक है वो पैदा भी वहीं हुआ है वो बड़ा भी वहीं हुआ है तो उसके लिए वो जो जितनी भी सीनरी थी वो नेचुरल ब्यूटी जो कुछ भी उस समय पे वहाँ रास्ते में सुंदर सुंदर गार्डन्स आ रहे थे वो उसके लिए न्यू नहीं था ठीक है तो ही वॉज़ नॉट एक्साइटेड ठीक है वो तो वहीं पैदा हुआ था उसके फादर का ही अपना टी गार्डन था तो इसलिए वो इतना एक्साइटेड नहीं था और वो अपनी बुक पढ़ा था वहीं पर राजवीर जो है वो पहली बार आसाम जा रहा था वो पहली बार इतनी सुंदर सुंदर टी गार्डन्स को देख रहा था तो ही वॉज मोर एक्साइटेड और वो ज्यादातर विंडो से बाहर देख रहा था समझ गए आप तो डिफरेंस सिंपल यही है इनका तो ये रखेंगे हम ड्यूरिंग द जर्नी प्रांजल ईदर रेड द डिटेक्टिव स्टोरीज और लिसन टू राजवीर एक तो उसने डिटेक्टिव स्टोरी पढ़ी ही थी और दूसरा क्या कर रहा था हमारे प्रांजल ने वो जो राजवीर फैक्ट्स बता रहा था ना टी के बारे में कि ये लजेंड से टी के और टी जो है इतनी थी हमारे यहाँ इंडिया में और मतलब पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम कर जाती है जो कुछ भी उसने बताया उसको या तो वो अपने दोस्त की बातें सुन रहा था या वो डिटेक्टिव नावल पढ़ रहा था उसने कभी भी बाहर देख दे, के एक साइड देख में नहीं दिखाई ना ही ज़्यादा ब्यूटी को इन्जॉय करा क्यों क्योंकि उसके लिए वो कुछ न्यू नहीं था कि वो इज़ यूज टू दैट ब्यूटिफुल प्लेसेज बट वहीं पर राजवीर को पहली बार इतनी सुंदर जगहें दिखाई दी थी ठीक है तो लेट्स वॉर्म द आंसर ड्यूरिंग द जर्नी प्रांजल इधर रेड द डिटेक्टिव स्टोरीज और लिसन टू राजवीर वाइल राजवीर एंजॉय द ग्रीनरी आउटसाइड एंड शेयर हिज नॉलेज अबाउट द टी विद प्रांजल ठीक है राजवीर क्या कर रहा था वो ग्रीनरी आउटसाइड को एंजॉय कर रहा था और अपनी नॉलेज शेयर कर रहा था प्रांजल के साथ अब ऐसा क्यों है रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों प्रांजल इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करने के लिए उसे देखने के लिए बिकॉज प्रांजल हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ टी प्लांटेशन ठीक है इसीलिए गाइज हेंस ही डिडेंट शेयर राजुज एक्साइटमेंट इसलिए वो राजू जितना एक्साइटेड नहीं था एंड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू आई वॉन्ट की आप मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आंसर बताओ द नंबर ऑफ कप ऑफ़ टीज के बारे में जो हमें इंफॉमेशन दी थी ना कि कितने नंबर ऑफ कप्स ऑफ टीज जो है कंज्यूम करे जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो मुझे कमेंट्स में बताओ हम वो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट असम इज सेट टू बी अ टी कंट्री डू यू बिलीव दैट असम हैज बेस्ट प्लांटेशन इन द वर्ल्ड दैट मेक इट अ यूनिक कंट्री ओके okay, तो आपको बताना है कि क्या डू यू बिलीव कि हाँ असम में बहुत अच्छी टी जो है वो ग्रो करी जाती है एंड वो हमारी कंट्री का एक यूनिक फीचर है डू यू अग्री विद दिस तो ऑब्वियसली हम इसका आंसर येस में करेंगे हमने जैसे कि गर्ल्स अपने टेंथ में जोग्राफी में एग्रीकल्चर चैप्टर में भी पढ़ा कि हमारे यहाँ पे सिर्फ टी की ही प्लांटेशन नहीं होती इनफैक्ट कॉफ़ी स्पाइसिस बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की हमारे यहाँ ट्रांस प्लान्टशन होती है तो वही सब हम अपने आंसर में फॉर्म करने वाले हैं दैट यस हमारे यहाँ की जो टी होती है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है और काफ़ी सारी टी को हम जो है एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हमारे यहाँ टी जो है कई बार ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से भी जो है ग्रो करी जाती है समझ गए आप जैसे बेस्ट प्लांटेशन लाइक टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन ह्यूज क्वांटिटी हमारे इंडिया में जो है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में टी एंड कॉफी की प्लांटेशन होती है असम इज होम टू टी एंड कूच इज होम टू कॉफी आप ये मैंशन कर सकते हो क्योंकि अभी हमने रिसेंट चैप्टर में कूज के कॉफी प्लांटेशन के बारे में भी जाना okay, है ओके okay, तो यहां तक आपने टी प्लांटेशन को डिस्क्राइब कर दिया ठीक है अब हम बताएंगे क्या ये यूनिक है या नहीं है तो यूनिक इसलिए है क्योंकि अभी भी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करते हैं ये यूनिकनेस है तो वी विल से दैट दिस प्लांटेशन मेक इंडिया यूनिक कंट्री विच हैज नॉट जस्ट ट्रेडिशनल बेवरेज प्लांट्स ग्रोइंग विद इन इट बट ऑल्सो फॉलोइंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यानी कि ये प्लांटेशन सिर्फ यूनिक इसलिए नहीं है कि ये हमारे बेवरेज प्लांट जो है उन्हें उगा रही हैं उन्हें ग्रो कर रही हैं टी कॉफी हमारे लिए उगा रही है इसलिए ये प्लांटेशन हमारे लिए यूनिक नहीं है इनफैक्ट दे आर ग्रोइंग इट

उसको असम के बारे में सब कुछ पता है वो वहीं पे पैदा हुआ है तो ही नोज एवरीथिंग उसने वो सब ग्रीनरी ग्री, वो सब ब्यूटिफुलटी गार्डन पहले से देखे हैं वहीं राजवीर ने पहली बार देखे तो वो एक्साइटेड है अब आपको ये बताना है इसमें ये क्वेश्चन देखो डू यू थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट क्या सही है प्रांचल का इतनी एक्साइटमेंट नहीं शो करना इज इट ओके ये बिहेवियर ठीक है उसका ये आपको बताना है ठीक है तो लेट्स से आप इसे कैसे आंसर फॉर्म करोगे प्रांजल इनवाइटेड हिज फ्रेंड तो हम बताएंगे पहले कि क्यों जा रहे थे ये जर्नी पे प्रांजल इनवाइटेड हिस्स फ्रेंड राजवीर टू स्पेंड सम डेज विद हिम इन हिज होम टाउन वो उसको इनवाइट करता है होम टाउन सामने कुछ दिन चलने के लिए ऑन रीचिंग देयर राजवीर वॉज स्टान टू सी द ब्यूटी ऑफ टी प्लांटेशन और राजवीर वहाँ पहुँच के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं इतनी सुंदर टी प्लान्टशन देख के इट वॉज एंटायरली अव एक्सपीरियंस फॉर हिम वाई प्रांज वर अ कॉमन साइट सो ही शोड लीस इंटरेस्टिंग राजवीर इज एक्साइटमेंट तो हमने फिर से कि दिया था जो प्रांजल है है उसके लिए ये common side थी वो वो देखता रहता इतने सुंदर सुंदर तो तो इसलिए राजवीर नहीं करा था। तो अब तो हमें का देखेंगे कि क्या अप्रोप्रियट था प्रांजल का रिएक्शन या फिर नहीं ठीक है तो उसका जो था प्रांजल का वो अप्रोप्रिएट नहीं था ठीक है कि उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी क्यों अप्रोप्रियट नहीं था पहले ये भी आप जान सकते हो देखो आ, इस वजह से अप्रोप्रिएट नहीं था कि वो इतनी ब्यूटीफुल नेचर को देख के खुश नहीं हो रहा है नहीं ये रीज़न नहीं था इट वाज ओके फॉर हिम कि वो इतनी सारे टी प्लांटेशन को देख के इतना एक्साइटेड नहीं होता क्योंकि उसने बचपन से वो टी प्लांटेशन देखे वो बात ठीक है बट वो उसका फ्रेंड जो है राजवीर जिसको वो खुद अपने होम टाउन उसने इनवाइट करा है तो जब आप अपने किसी जब किसी को अपने घर पे लाते हो या किसी के साथ कहीं घूमने जाते हो आपने ट्रिप प्लान करिए आप लेके गए हो और जब कहते हैं ना घर पे जब कोई मेहमान आते हैं तो उन्हें खुश होकर हमें अटेंड करना चाहिए तो वही चीज़ है कि जब आसाम उसका घर है असाम किसका हमारे प्रांजल का तो जब राजवीर को वो लेकर आया है आसाम तो इनफैक्ट उसको खुद थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए कि राजवीर देखो वो टी प्लांटेशन है उसे इनफैक्ट बताना चाहिए आसाम से रिलेटेड अलग अलग जगहों के बारे में हमारे राजवीर को बट वहीं पे वो तो अपनी बुक पढ़ रहा था और जब राजवीर उसे बता भी रहा था न्यू न्यू चीज़ें अरे वो देखो वो प्लांटेशन है तो हिज रिएक्शन वॉज लाइक इतना एक्साइटेड वो नहीं था इनफैक्ट जब वो उसका इतना अच्छा फ्रेंड है उसने उसको इन्वाइट करा है तो इनफैक्ट प्रांजल की क्या करना चाहिए था प्रांजल को थोड़ी सी एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए थी राजवीर का इंटरेस्ट और इंक्रीज़ करने के लिए इनफैक्ट उसे कहना चाहिए था ये ऐसे देखो ये प्लांटेशन है ऐसे होता है ऐसे होता है तो थोड़ा सा प्रांजल को भी इंटरेस्ट दिखाना चाहिए था ठीक है कैसे कर सकते हैं आई थिंक इट इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑन प्रांजल्स पार्ट टू रिएक्ट लाइक दिस ठीक है नो डाउट हिज इन डिफरेंस वॉज नैचुरल बट इट माई डैम्पन राजवीर स्पिरिट ठीक है ठीक है उसका जो इन डिफरेंस था टू वॉज द नेटी इट वॉज ओके बट उससे राजवीर की जो स्पिरिट है वो थोड़ी लो हो सकती थी वो तो बहुत एक्साइटेड था वी हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पर्सन अपोजिट टू एस कभी कभी हमें अपने सामने वालों के बारे में भी सोच लेना चाहिए ठीक है स्पेशली वेन द पर्सन इज वेरी क्लोज और जब कोई हमारे इतना क्लोज हो कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हो तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए अ ट्रू फ्रेंड इज वन who understands the feeling of his friend and tries to make him happier. ऑल दो प्रांजल एंड राजवीर व वेरी क्लोज दो वो बहुत क्लोज थे येट वन शुड ऑलवेज ट्राई टू सेंट इन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दो वो बहुत क्लोज थे अच्छे फ्रेंड्स थे जा रहे थे एक साथ घूमने बट स्टिल थोड़ा सा प्रांजल ने क्या करना चाहिए था उसको थोड़ी सी एक्साइटमेंट शो करनी चाहिए जब वो जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ तो इनफैक्ट उन्हें वहां पर ट्रेन में बैठ के बातें करनी चाहिए थी रिलेटेड टू ऑल द नेचुरल ब्यूटी जो भी राजवीर जानना चाह रहा था इनफैक्ट खुद से अलग अलग फैक्ट जो है हमारे प्रांजल को बताना चाहिए था अबाउट द ब्यूटिफुल प्लेसेज इन आसाम ठीक है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज अ टी कंट्री नाउ एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू असम ठीक है तो ये क्यों बोला गया दिस इज अ टी कंट्री नाउ तो हमें बताना पड़ेगा कि किसको टी कंट्री बोला गया तो ऑब्वियसली असम को बोला गया है और क्यों बोला गया है तो टेल दैट असम हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड ठीक है और लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन भी फाउंड देयर मोस्ट ऑफ द टी ग्रोन इन असाम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड तो इसलिए इसको क्या बोला गया टी कंट्री क्योंकि टी बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे असम में ग्रो करी जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम डिस्क्राइब द सीनरी दैट राजवीर सो एज सून एज द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन क्या उसने ब्यूटीफुल सीनरी देखी थी तो व्हेन द ट्रेन मूव्ड अहेड जब ट्रेन आगे चलती है देअ ह्यूज फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन प्लांटेशन बड़ी बड़ी फील्ड्स ग्रीन प्लांटेशन की राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी राजवीर ने आज तक इतनी अच्छी ग्रीनरी नहीं देखी थी ही कॉल्ड इट मैग्नीफिशेंट व्यू उसमें उससे मैग्नीफिशेंट व्यू बोला द बुश वो आर स्प्रेड लाइक अ सी अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स तो बुशेज ऐसे समुद्र की तरह फैली हुई थी जैसे ब्लू कलर का समुद्र होता है ऐसा लग रहा था ग्रीन कलर की सी है और पीछे क्या थे पहाड़ थे कौन से वुडेड हिल्स थी बेसिकली वो तो बहुत अच्छा व्यू था एंड आप जो है ये व्यू एक्सप्लेन करने को अपनी लाइन में कुछ और लाइन्स भी उसमें ऐड कर सकते हो जितनी हमारी बुक में गिवन है ठीक है नेक्स्ट Rajvi did his study before his visit to tea plantation. Is it good to do one's research before the start of a journey, or does it take away the thrill of the discovery? Lucilite you your स्टैंडस तो आपको बताना है कि देखो राजवीर ने इतनी सारी ना रिसर्च करी आसाम जाने से पहले कि टी के लेजेंड्स क्या है और कितनी टी कंज्यूम करी जाती है ऑल दैट और वो जो उसके अब उसके फादर को भी बताता है वो कि ये ट्रैक्टर में जो जा रहा है टी ठीक है ये कौन सा बैच है एवरी थिंग ही वॉज ही ग्राफ्ट सो मच नॉलेज तो ये क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या इतनी नॉलेज गैदर करना कहीं जगह पर जाने से पहले किसी नए वेंचर पर किसी नई जर्नी पे जाने से पहले इतनी नॉलेज गैदर करना क्या सही है या फिर जब हम इतनी नॉलेज गैदर कर लेते हैं हम इतना प्रो बन जाते हैं तो वो हमारे एक्साइटमेंट जो है वो जो है डिक्रीज कर देता है डिस्कवरी की तो बताओ इसका आंसर तो नहीं गाइस अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें उसके बारे में पहले से नॉलेज है तो हमारे को वहाँ जाके और अच्छा फील होता है हम वहां जाके चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं इनफैक्ट जब हमें पहले से थोड़ी सी नॉलेज होती है तो वी फील मच यू कैन से दैट एक्साइटेड और हम चाहते हैं कि और उसको अच्छे से पहचाने ठीक है तो ये सही नहीं है कि अगर हम नॉलेज गैदर करें किसी चीज़ के बारे में तो वो हमारा एक्साइटमेंट उसके बारे में खत्म कर देता है ठीक है तो लेट्स सी इट इज़ गुड टू डू अ रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर या फिर जर्नी इट हेल्प्स वन टू गेट अ क्लियर डेस्टिनेशन अब एक अच्छा सा हमें आइडिया मिल जाता है अगर हम पहले से ही नॉलेज अपने पास राजवी fact, राजवीर स्टडी अबाउटेशन इंक्रीज बोथ एंडमेंट इनफेक्ट राजकीज बढ़ाई टी के बारे में पता है के साथ ही एक्साइटमेंट तो इंक्रीज ही हुई सो है so अरे हाँ टी गार्डन आ गया वो वाला बैच है वो तो एक्साइटेड ही था पूरा टाइम ठीक है हमसे हम पूछा है इट टेक अवे फ्रॉम द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी क्या ये जो थ्रिल थ्रिल मतलब एक्साइटमेंट जो है वो डिक्रीज कर देता है हमारा रिसर्च करना तो हम कहेंगे नहीं इनफैक्ट वी विल से दैट डूइंग द रिसर्च बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वेंचर या जर्नी एड्स एड्स मतलब प्लस कर देता है या इंक्रीज भी लिख सकते हो आप स्टार्ट ऑफ अ न्यू जनरी इंक्रीज द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी एड्स लिखोगे तो आप लिख देना एड्स टू द थ्रिल ऑफ द डिस्कवरी ठीक है तो जो है जो थ्रिल है जो एक्साइटमेंट है अगर आप रिसर्च कर लेते हो तो वो इंक्रीज ही होती है कम नहीं होती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन वट आर द लेजेंड्स एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ टी ठीक है तो दोनों लेजेंड्स बताने हैं चाइनीज एम्पर वाला भी एंड इंडियन वाला भी ओके okay? तो दे आर आर मेनी पॉपुलर लेजेंड्स अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी टू ऑफ देम आर एज फॉलो जो हमें दो बताए हैं दैट अ चाइनीज एम्पलर वॉज यूज टू ड्रिंकिंग बॉयल्ड वॉटर वन डे अ ट्विक फ्राम द फायर फेल इन टू द पॉट विच वॉटर वॉज बॉइलिंग ठीक है तो जो है पॉट में जो है ट्विक घिर जाती है और इट गेव डिलीशियस फ्लेवर टू ड्रिंक ठीक है और उससे उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इट इज सेट दैट दोज वर द टी लीव वो टी लीवस थी एंड एन इंडियन लेजेंड पढ़ते हैं अब हम एन इंडियन लेजेंड गोज लाइक दिस वंस देअर वॉज अ बुद्धिस्ट एसेटिक यानी कि बुद्धिस्ट एक मॉन्ग uh, थे हु यूज टू फील स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन जो मेडिटेशन के टाइम पे स्लीपी फील करते थे तो उन्होंने अपनी आईलेट्स को कट करा एंड उससे कैन टी प्लांट्स ग्रो हुए उनके हेल्थ से और फिर उनमें जो पतियाँ निकलती थी वेन द लीव्स फ्रॉम दिस प्लांट्स और पुट इन द हॉट वाटर एंड दे बैनस लीव और फिर उन पौधों से जो पतियाँ निकली जो टी लीव्स थी बेसिकली उनको जब पानी में उबाल के पिया गया तो उससे नींद नहीं आती थी तो कहते हैं ना चाय पीने के बाद जैसे नींद नहीं आती तो ये जो है Uh, इसके ये हमारा इंडियन लेजेंड है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं वट इंफॉर्मेशन डू यू गैदर अबाउट द हिस्ट्री ऑफ टी आफ्टर रीडिंग द लेसन तो आपको जो जो इंफॉमेसन पता चले ना अबाउट द टी आफ्टर रीडिंग द लेसन वो हमें बतानी है दैट फर्स्ट टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना इवन द वर्ड चाय एंड आर फ्रॉम चाइनीज इट गोज़ बैक टू टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड बी सी ठीक है इन द सिक्सटीन सेंचुरी टी केम टू यूरोप एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन देन अ बेवरेज तो सिक्सटीन सेंचुरी तक जो है हमारे यहाँ पे यूरोप में ट्री ऐसे ना बेवरेज की तरह ज़्यादा नहीं पी जाती थी इनफैक्ट एस अ मेडिसिन जैसे किसी की तबीयत खराब है तो ज़्यादा पी जाती थी असम हैज़ अ लार्जेस्ट कंसनट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन ये हमें पता चला देर आर लार्ज ग्रुप्स ऑफ वुमेन इन द बैम्बो बास्केट्स ऑन देर बैक जो सारा टाइम प्लांटेशन करते हैं दे प्लग द न्यू लीज फ्राउट द टी लीज फ्रॉम द प्लांट्स एंड स्टोर देम इन द बास्केट्स ठीक है और भी आप लेजेंड्स भी मैंशन कर सकते हो इसमें ठीक है next guy said rajveer had done a lot of homework regarding tea and it's history do you support pranjal's father's statement that he gave about gradually's knowledge in this regard तो गाइज़ ये क्वेश्चन आप मुझे बताओ कॉमेंट्स में टाइप दिस क्वेश्चन जल्दी से मुझे बताओ और अगर आपको चेक करना होगा तो आप बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेन कमेंट में से चेक करना इस क्वेश्चन में ये पूछा गया रीड रीडेड इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो जब प्रांजल के फादर कहते हैं राजवीर को कि तुमने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कराया क्या सही बोला उन्होंने तो ऑब्वियसली गाइज इसका आंसर हमारा यस में होगा डू यू थिंक पूछा है तो आई एम गिविंग यू हिंट्स इसका आंसर येस yes में होगा येस yes. राजवीर ने अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करा था उसको बहुत नॉलेज थी अबाउट द आसाम टी गार्डन्स ठीक है उसको वो व्रप्राउटिंग सीजन की एवरीथिंग नॉलेज उसने गैदर कर दी तो हम कहेंगे येस yes, प्रांचल के फादर की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थी ना फॉर्म द आंसर मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्वेश्चन एंड गाइज ये जो टेंथ क्वेश्चन में ये जो आंसर में हमें लाइन्स पता चलेंगी ये लाइन हमारे सब्जेक्टिव आंसर्स को फॉर्म करने में बहुत हेल्प करेगी आपको टी फ्रॉम आसाम से फिर अगर अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तो उनमें आप ये लाइन्स एड कर सकते हो ये हमें पूरा एक ग्लिम्स दे रही है चैप्टर में वॉट डिड हाउ इट हेल्प हिम और उसकी एक्साइटमेंट और जब उसने वो टी गार्डन्स को जो है सच्ची में देखा और प्रांजल और उसके एटीट्यूड में डिफरेंस उसके फादर ने उसे प्रेस करा एवरीथिंग बहुत कंबाइन करके हम इस आंसर को लिखने वाले हैं तो क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रांजल वॉज बॉर्न एंड ब्रॉटअप एंड टी एस्टेट इन आसाम प्रांजल तो वहीं पैदा हुआ था और बड़ा भी वहीं हुआ है आसाम की एक टी एस्टेट में वाई राइट वॉज राज टी वीज एंड द लेजेंटेड विथ टी तो ये कह रहे हैं कि वैसे तो बोर्न एंड ब्रॉटअप तो हमारा प्रांजल है आसाम में उसके फादर का टी एस्टेट भी है बट नॉलेज ज़्यादा टी के बारे में किसको है राजवीर को है ठीक है तो बेस योर आंसर ऑन देअ विजिट देखी बेरी टी एस्टेट ए नजाम अब आपको गाइस आंसर फॉर्म करना है जो देखी बेरी टी एस्टेट की जो विजिट थी उसके ऊपर पूरा आपको इसमें सब बताना पड़ेगा कि कैसे प्रांजल एंड राजवीर वहाँ जाते हैं राजवीर ने बहुत कुछ टी से रिलेटेड पढ़ रखा था और अब वो रियलिटी में टी के गार्डन्स को देखता है एंड टी एस्टेट को देखता है उसकी नॉलेज को एक प्रैक्टिकल व्यू मिला ठीक है उसने पढ़ तो बहुत कुछ रखा था बुक्स में से बट उसने सब कुछ प्रैक्टिकल देखा ठीक है इवन उसके जो प्रांजल के जो फादर थे वो भी उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वाओ उसने बस वो जो ट्रैक्टर जब जा रहा था तो उसको देख के वो समझ जाता है कि वो कौन सा सीजन है कौन सा बैच है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आप पूरा इसमें

एंड हिस्ट्री ही इवन सरप्राइज प्रांजल्स फादर विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट तो उसको इतनी नॉलेज थी कि प्रांजल के फादर भी इतने हैरान हो गए थे वो देख के ठीक है अब राजीवीर विजिट तो देखी बारी वॉज अपॉर्चुनिटी तो हमने पहला आंसर यहाँ कर दिया ना ये फर्स्ट आंसर है ये सेकेंड है ना बेसि और आंसर अभी यहाँ से राजवीर विजिट टू देखी बरी वॉज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेम टू कनेक्ट विद हज रीडिंग्स एंड नॉलेज टू द रियल एग्जिस्टिंग टी प्लाटेशन तो जो उसने नॉलेज पढ़ी उसने कनेक्ट करा अब उसने रियालिटी में सच्चे में गार्डन्स को देखा ही वॉज फैसिनेटेड बाय द मैग्निफिशियंसी स्ट्रेचिंग एज फार हिज इज आइज कु ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स खुद देखा उसने उसने पहले बस पढ़ा था कि टी प्लकर्स टी प्लग करते होंगे बट अब उसने सच्ची में देखा He saw with his own eyes the group of tea pluckers with bamboo baskets on their back plucking the newly sprouted leaves. His studies helped him to recognize. उसकी studies ने उसे help करके recognize करने में the trailer load of tea leaves which were the second flush or the sprouting period that gave the best tea. तो खाली उसकी इतनी अच्छी उसको knowledge थी guys कि जब उसने tractor में देखा वह trailer में कि bushes जा रही है tea bushes तो उसने बता दिया कि ये second flush है और ये सबसे one of the best tea leaves हैं. तो this was the full answer.

न राइटिंग सेक्शन जो है आपका ऑर्डर लेटर इंक्वायरी लेटर एंड एनलिटिकल पैराग्राफ वो भी मैं अपलोड कर चूंगी गाइज एंड अन पैसे टेन की, की प्ले लिस्ट है मेरी उसको लेटर में अपने पास सेव करके रख लो वहां पर आपको टेंथ इंग्लिश का सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है एंड सून विल भी स्टार्टिंग ग्रामर ऑल्सो वो भी वहीं पर पे मैं पेस्ट करूंगी ओके okay? तो बेस्ट ऑफ लक इफ यू एनी क्वेरी सेंविओ इन द कमेंट सेक्शन जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा वो मुझे कॉमेंट्स में बताओ एंड गाइज अगर आपको यह नोट चाहिए अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट टेंथ एसिस टेंथ इंग्लिश के इंपॉर्टेंटें क्वेश्चन चाहिए एंड उनकी समरी तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो वहां पर मैं सभी स्टडी मटेरियल अपलोड करती हूँ तो ऑफ लक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में